हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि इस वक्त वो कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर किया, बड़ा मैंडेट दिया और हमने तुरंत जो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। आज मैंने भी ज्वाइन किया है, आज 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो हमने कहा उसको पूरा किया है और हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित रहेगी। अन्नदाता के विकास और समृद्धि के लिए काम करेगी तथा नारी शक्ति को और मजबूत करने का काम करेगी। मैं एक बार फिर से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें। नहीं तो सुधार हम कर देंगे, पहले भी कहा था, सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बढ़े, ये हमारी भावना है। गति से प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं क्योंकि अभी मैंने कहीं जाना है और क्वेश्चन शायद मैं ना लिख पाऊं। पहले तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आपने सुना कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कि कैसे युवाओं को नौकरी से भी जोड़ा गया, साथ ही साथ अपराधियों को मैसेज ये देते हुए कि अगर अपराध करना है तो हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो इलाज हम कर देंगे।